जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं क्लास टेंथ मैथमेटिक्स, जिसमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। तो आज के कंटेंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आज की क्लास में हम वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तथा ये जो इम्पॉर्टेंट सेशन है इसे मिस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप ये सेशन जो है आपकी क्लास का फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट चैप्टर का है, और ये सेशन आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहले टॉपिक हमारी क्या है, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या क्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या, तो आप जानते हैं परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वह परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्या तो जान गया क्या हो गई, वास्तविक संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, किसके रूप में लिखी जाती है, p/q के रूप में लिखी जाती है या व्यक्त की जाती है, जहां p और q जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, p/q के रूप में व्यक्त की जाती है, जहां p और q धनात्मक पूर्णांक है, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जांपल के लिए जहां पे q का मान शून्य के बराबर नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या की परिभाषा में ऐसी संख्या जो p/q या अंश अपान हर के रूप में लिखी जाती हैं या व्यक्त की जाती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे p और q धनात्मक पूर्णांक होते हैं और q का मान शून्य के बराबर नहीं होता है। अब देखेंगे q का मान तब क्या हो सकता है, यहां पे q का मान आप देख सकते हैं 1/2 आप लिख सकते हैं, यहां पे 2 आ गया, ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे किसी भी प्लेस पे क्यू का मान शून्य के बराबर नहीं है, जहाँ पे ये 1/2, 0/5, 1/3, ठीक है, -5/4, ठीक है, ये क्या है, हमारे पूर्णांक है, जहाँ पे पी और क्यू हमारे क्या है, पूर्णांक है। अब ये क्या है, जैसे p/q की ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, व्यक्त की जाती है, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक है और q का मान शून्य के बराबर नहीं होता है। फिर इसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। किसके रूप में नहीं लिखी जाती है, p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, यहाँ पूछा है कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या के रूप में आप देखेंगे कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कोई संख्या हमारी करणी के रूप में लिखी, करणी 2, अब इसका मान देखिएगा 1.414, फिर आगे मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, क्या है, बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब जो संख्या हमारी देखेंगे अंडर रूट या करणी के रूप में लिखी है, वो भी अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, मतलब ऐसी संख्या जो करणी के रूप में यहाँ पर देख लिए हैं लिखी है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। फिर अब जिनका दशमलव प्रसार, अगर इनके हम दशमलव प्रसार करते हैं और दशमलव प्रसार करने पर ये क्या हो जाती हैं, अशांत अनावर्ती हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, देख सकते हैं 0.1010, 1001001000,
1 4 0 मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 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
हमारी वास्तविक संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या समझने से पूर्व हमें परिमेय व अपरिमेय संख्या समझना था। तो मैंने बताया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन यहाँ पे हुई, वास्तविक संख्या क्या होती है, वो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह होती है जो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब हम वास्तविक संख्या के बारे में जान गए, अब हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। तो इनमें अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, परिमेय संख्या पढ़ा है, अपरिमेय संख्या पढ़ा है, वास्तविक संख्या पढ़ा है। फिर हमारी टॉपिक आती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहता है सपोज द, या हमारे पास ठीक है दो धनात्मक पूर्णांक है, कहता है यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक, यदि दो धनात्मक पूर्णांक, अच्छे से समझिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हो, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हो, तो यूक्लिड के अनुसार ए बराबर होता है बी क्यू धन आर। समझिएगा, यूक्लिड के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हो, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। आपने देखेंगे कक्षा 8 में या उसके पहले आपने विभाजन, मतलब कक्षा 5 या 6 में ही पढ़ लिया था, विभाजन नियम पढ़ा था। विभाजन का नियम आपने ये पढ़ा था, सपोज द यदि हम ए को बी से विभाजित करते हैं, ए को बी से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब भागफल के रूप में कुछ ना कुछ मिलता है और शेष फल के रूप में भी कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई नंबर मिलता है जिससे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें शेष फल के रूप में कुछ मिलता है और भागफल के रूप में भी कुछ मिलता है। तो वही हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या भी वही करती है, लेकिन यहाँ यूक्लिड ने एक प्रमेय का नाम दे दिया है जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ए को इसने ले लिया, देखेंगे यहाँ पे ए को ले लिया, फिर बी को ले लिया, फिर क्यू को ले लिया, फिर आर को ले लिया। जैसे आपने पढ़ता था, आप लोग पढ़ते थे कि भाज्य, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, पढ़ते थे कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल पर प्लस या धन शेषफल। तो वही चीज है यहाँ पे ले लिया है। सपोज ना अगर एक हम नंबर के रूप में बात करते हैं, सपोज ना हम 11 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ ए का मान 11 ले लेते हैं, बी का मान 2 ले लेते हैं। समझिएगा, ए का मान 11 ले लेते हैं, बी का मान 2 ले लेते हैं। जब 11 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो आप देखेंगे 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 10 में एक में 0 घटेगा तो एक ही आएगा, एक में एक घटेगा तो 0, मतलब 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 पंचे 10, अब ए का मान हमारा कितना हुआ, ए का मान तो हमने 11 लिया था, बी का मान कितना लिया था, 2 लिया था। अब भागफल मतलब क्यू कितना मिला, 5 मिला, 2 गुणे 5। आर शेषफल कितना मिला, 1 मिला। तो इस तरह हम क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हल कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हल कर सकते हैं। अब इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, पहले नंबर तो विभाजन के रूप में, विभाजन के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है इसका प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, पहला तो विभाजन के रूप में किए, दूसरे नंबर पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग है वो हम करते हैं पहले नंबर पे विभाजन के रूप में, दूसरे नंबर पे इनके दो नंबरों के बीच, या यदि हमें एचसीएफ निकालना होता है, मतलब महत्तम समापवर्त निकालना होता है, उस कंडीशन में भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे कंप्यूटर एल्गोरिथम में, मतलब कंप्यूटर के एल्गोरिथम में भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में समझते हैं। यहाँ पे लिखा है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम क्या होता है? जब यहाँ पे एल्गोरिथम का जिक्र आ गया तो हम एल्गोरिथम के बारे में आपको बता देते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब एल्गोरिथम कोई भी चीज़ है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करते हैं, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया जब विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ, मतलब जो शब्द एल्गोरिथम आया उसके उसे 9वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दिया था। वास्तव में शब्द एलजेब्रा भी इन्हीं की लिखी पुस्तक हिसाब अल जबर या अल मुकाबला से लिया गया है, मतलब जो एलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं वो अल ख्वारिज्मी की ही लिखी पुस्तक जिसका नाम है हिसाब अल जबर से लिया गया है। और इसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम जो शब्द आया 9वीं शताब्दी के आसपास, ये उनकी ही पुस्तक अल ख्वारिज्मी से लिया गया है, मतलब उनकी गणितज्ञ जो ये अल ख्वारिज्मी गणितज्ञ है ये उन्हीं की पुस्तक से लिया गया है। फिर ये कहता है प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे अन्य कथन से सिद्ध करने का प्रयोग करते हैं। इस कथन अन्य कथन को सिद्ध, मतलब जो हम ये प्रमेय पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, ये सिद्ध किया हुआ होता है और इसके माध्यम से हम अन्य कथनों को भी क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो ये हमारी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जिसके बारे में अल ख्वारिज्मी ने बताया था। इसके कौन बताया था? अल ख्वारिज्मी ने। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में किसने बताया था अल ख्वारिज्मी में, और एल्गोरिथम शब्द किसने दिया था? अल ख्वारिज्मी दिया था। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसमें आप बताएंगे कि SCF के रूप में और कंप्यूटर एल्गोरिथम के रूप में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। ये तीन क्वेश्चन तो बन गया। चौथा क्वेश्चन, इसमें से वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं और क्यू का मान शून्य के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण करणी दो, करणी तीन, करणी पाँच, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हो, जहाँ पे ठीक है तो a बराबर बी क्यू धन आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। अब इसमें यहाँ ध्यान दे दीजिए कि जो जी आर का मान होगा वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा और जो बी का मान होगा वो आर के बराबर या आर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आर का मान है वो जीरो से क्या है? ज़्यादा है, और बी का जो मान है वो आर से ज़्यादा है, मतलब आर मतलब शेषफल से ज़्यादा शून्य का मान होगा, और जो आप जिससे आप डिवाइड करते थे है ना उस भाजक का मान क्या है? आर से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है? पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए।
का प्रयोग कीजिए। ये हमारा था क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित संख्याओं का यश्यफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 225। ध्यान से देखिएगा 135 और 225। 135 और 225 ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 135 और 225 जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा।